हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो फोन है ये है आईटेल का A60, ठीक है। और आज हम इसकी जो है यहाँ पर आपके फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं, जो इसमें खास फीचर्स होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि भाई बोल रहे थे कि फीचर्स इसके बता दो क्या क्या है, ठीक है। तो फीचर्स की यहाँ पर जो है वीडियो आ चुकी है, तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है, देखो पहली बात तो यहाँ पर जो हम इसकी रैम की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रैम है वो यहाँ पर आपको मिलती है 2 GB की रैम मिलती है, और इसमें जो 32 GB की आपको इसमें इंटरनल मेमोरी कार्ड मिलता है, ठीक है, जो कि आप जाकर के एक बार सेटिंग्स में भी आप जो है इसको इजीली देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करना है, अबाउट फोन में आना है। अबाउट फोन में आने के बाद यहां पर आपको जो है लीगल इंफॉर्मेशन पे जाना है, और आपको नीचे लोकल सॉफ्टवेयर अपडेट इसको बैक कर देना है, और नीचे जैसे आप आओगे तो यहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, बाकी बॉक्स पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर आप, यहाँ पर ये 2 GB इसकी रैम है इस वाले फोन की, और 32 GB आपको इसमें इंटरनल मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन प्राइस की बात करें तो देखो प्राइस जो है इसका भाई वो 6000 रुपये का है, ठीक है, 6000 रुपये का, 5999 रुपये का है, जिसमें अगर जो है आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हो तो भैया आपको जो है 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें यह फोन जो है आपको अप्रोक्स पड़ जाएगा 5400 रुपये के आसपास, ठीक है। तो इस रेंज के आपको ये फोन जो है इस रेंज में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और इस रेंज में आपको देखो क्या क्या इसमें चीज मिलती है। 232 में तो है ठीक ठाक है, चलो डिस्प्ले भी आपको काफी ठीक ठाक सी मिल जाती है, क्योंकि आपको इसमें डिस्प्ले काफी लार्ज मिलती है, थोड़ी बड़ी, क्योंकि 6.6 इंच की HD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि आपको चलाने में भी काफी मजा आएगा। और अगर आप इसमें ऑडियो वीडियो देखते हो तो काफी जो है बड़ी और आपको थोड़ी सी दिखाई देगी, क्योंकि स्क्रीन आपको इसमें थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हम बात करें इसके बाद, ठीक है, लुक की, तो लुक यहाँ पर आप देख ही सकते हो, क्योंकि लुक जो है इसका काफी परफेक्ट है, एकदम से ओपी है, क्योंकि लुक देख सकते हो आप, लुक ज्यादा मैटर करता है। और पीछे की साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इसमें बिल्कुल क्लियरली है पीछे की साइड में, क्योंकि कैमरे के सेटअप में ही है, तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी करता है अपनी तरफ को, ठीक है, ये चीजें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करती है। बाकी इसका जो लुक है यहाँ पर आप देख सकते हो, साइड बिल्कुल काफी मस्त है एकदम से। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हो नीचे की साइड से भी, ठीक है, तो लुक जो है काफी मस्त है। हैंड फील की बात करें तो काफी अच्छा हैंड फील जो आपको देखने को मिल जाता है इस वाले फोन में, तो हैंड फील काफी अच्छा है, एकदम बोले तो यहाँ पर परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आपको देखो फोन क्या होता है कि कुछ लोग लेते हैं लुक के ऊपर, कुछ लेते हैं प्रोसेसर, कुछ कैमरे के ऊपर, ठीक है, तो इस रेंज में आपको देखो लुक काफी अच्छा मिल रहा है। और थोड़ा बहुत जो है 232 में है वो आप देख सकते हो, ठीक है, भाव आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा चाहिए होगा तो, अगर आपको सस्ती रेंज में आपको बता रहा हूँ, रेंज के हिसाब से काफी मस्त फोन है इस रेंज में, काफी सही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें इसकी, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बैटरी की, तो बैटरी इसमें काफी ज्यादा बड़ी मिल जाती है आपको, बैटरी बैकअप आपसे इसका भाई जल्दी से डाउन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, ठीक है, लुक एकदम परफेक्ट हो गया। बाकी सारी चीजें यहाँ पर हम बात करते हैं अब कैमरे की। देखो कैमरे के मैंने यहाँ पर कुछ सैंपल्स हैं जो लिए हैं, और यहाँ पर आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं, ठीक है। देखो ये जो है इसके फ्रंट कैमरा है, और ये मैंने इसका यूज करा है फ्रंट कैमरा, ठीक है। फ्रंट कैमरे में डिटेल्स जो है देखो अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। और फोन के हिसाब से बात करें, प्राइस के हिसाब से, तो भाई काफी बेटर है कैमरा भी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम जो है, मैंने कुछ सैंपल्स और भी लिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने देखो किसी बैकग्राउंड का एक फोटो खींचा था किसी पिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कलर्स के लिए मैंने खींचा था, तो कलर्स काफी सही थे, ठीक ठाक थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फोटो और किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी कलर जो है काफी सही है, और फोटो की डिटेल्स भी, ठीक है। तो कैमरे के मामले में देखो मैं ज्यादा कुछ खास नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जैसा प्राइस है भाई उसी के हिसाब से भाई ठीक ठाक है, बढ़िया, ठीक है। तो ये चीजें आप पर डिपेंड करती है, बाकी आप देख लेना, क्योंकि प्राइस जो है इसका, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो आपको ये जो है 5400 रुपये का मिल जाएगा, 5400 रुपये का। बाकी आपका ये 6000 रुपये का फोन जो है, तो आप जाकर किसी चाहे फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भाई भी चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है।